दोस्तों नमस्कार, मैं डूंगर सिंह मारवाड़ म्यूजिक स्कूल से, और आज मैं आपके समक्ष खर्च का रियाज पार्ट टू लेके आया हूँ। और खर्च के रियाज के फायदे नुकसान मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये जो अभ्यास हम करेंगे वो हम भैरव थाट में करेंगे, जिसमें रे और थ कॉमन रहेगा। और इसको किस प्रकार करना है प्रातःकाल वो मैं आपको हारमोनियम पर बता रहा हूँ। तो आइए हारमोनियम पर चलते हैं। ये हमारा मध्य सप्तक का सा है, ये लाल रे है कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, प, ध कोमल, नी शुद्ध, और ये तार सप्तक का सा। ये हमारा सा हरे कलर का, ये तार सप्तक का सा, ये मध्य सप्तक का सा, ये हमारा मंद्र सप्तक का सा, ये रे कोमल, ये ध कोमल, रे ध कोमल। इसमें हम रे शुद्ध को और ध शुद्ध को नहीं बजाएंगे, इसमें भी रे शुद्ध को और ध शुद्ध को नहीं बजाएंगे। भैरव थाट में रे और ध जो है वो कोमल लगेगा, ये रे ये ध, इधर ये रे और ये ध। शुरू करने से पहले दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इधर चलते हैं तब तो हम इस तरह से बजाते हैं, लेकिन जब आप इधर जाएं तो दूसरी अंगुली से इस सा को बजाएं। सा नी ध पे अंगूठा आएगा कोमल ध पे, ये प की अंगुली प पे आएगी, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये अंगूठा आएगा यहाँ पे, ये रे इससे बजेगा और ये सा इससे बजेगा। सा नी ध प म ग ध नी सा। फिर इधर जाएंगे तो सा ये अंगूठा आएगा, ग म प ध पे अंगूठा आएगा, नी और सा, इस तरह से ये बजेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप शुरू करें तो आप सीधे ही सा न बोलें, क्योंकि हमारे आवाज़ प्रातः समय में अभी भारी रहती है। तो आपको पहले कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आपका सुर किस भारी स्वर से मिल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप प पे मिलाएं, अगर नीचे और जाएं आप, जरूरी नहीं कि नीचे रे कर इधर जाना है, रे इधर का कोमल आ जाएगा आपके, आप सोचेंगे इधर रे का निशाना यहाँ तक आना पड़ेगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जा सकता हूँ, मैं जाके बताऊँगा आपको, लेकिन आपका नीचे स्वर नहीं जाता है, प और म म तक जाता है या घ तक जाता है, तो आपको इधर चल जाना है, क्योंकि ध तो इधर कवर हो जाएगा, रे इधर हो जाएगा और ये ध भी इधर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताया, आप धीरे धीरे करें, अधिक देर तक स्वरों पे रुकें। और दोस्तों एक खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसकी पालना नहीं करेंगे तो ये आपका कोई भी रियाज, कोई भी अभ्यास, कोई काम का नहीं। जैसे ये आपने प का बटन दबाया, ये नहीं कि प, फिर ऐसे नहीं, पहले इसको दबाओ, इसकी आवाज सुनो मन में, हमिंग करो, पहला सुर जब आप दबाओ तो उसमें पहले सुने फिर हमिंग करें, फिर ओम उच्चारण करें, ओ जाए, प्रारंभ में स्वर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो आप नीचे आगे ऊपर नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। पा,
ध प म ग रे सा। देखिए पहले दबाया हूं सा नी द
प म ग रे सा सा रे ग म प द नि सा सा रे ग म प द नि सा नि सा सा नि द नि सा सा नि द प म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा नि द प म ध प म ध प म ग रे सा सा रे ग म प द नि सा ध नि सा। इसमें आप पूरा ध्यान रखें कि जब आप ध पे ध से प पे जाओ तो याद रखें कि इधर आवाज भारी होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी। यू नहीं गा ध प नहीं, ध ध की आवाज से इसकी आवाज हल्की ध प म ग ग म प ध नि सा। इस तरह से दोस्तों सा से मंद सप्तक में और मध्य सप्तक में धीरे धीरे बढ़ते जाएं, सात तक आवें, इधर सात तक जाने की कोशिश करें, नहीं जाए तो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे। प्रारंभ में बटन को पहले दबावें फिर बोलें, शुरुआत इसकी प को दबाकर करें, सा से नहीं, प को। अगर आपकी आवाज़ और भी नीचे जा रही है तो बोलिए आप म को से मिला सकते हैं, म से नहीं मिले तो प से मिलावें। जिस भी स्वर से प्रारंभिक आवाज बिना बटन दबाए आप निकाल दो कोई भी, ओ तभी इसको मिलाना है, ओ फिर आगे बढ़े बिल्कुल। मेरी कॉपी करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपका अपना क्रिएशन आपको लाना पड़ेगा। आगे पीछे किस तरह से भागना है, किस तरह से इसमें घूमना है, वो आप अपना क्रिएशन करें कि तीन तीन स्वरों को बजावें फिर वापस जावें, फिर चार स्वरों को बजावें फिर वापस जावें, है ना, ध से रे तक जावें फिर वापस रे से ध तक आवें, है ना, फिर म से सा तक आवें फिर वापस म से प तक जावें फिर वापस प ध नि आवें सा आवें फिर इधर आगे जावें सा रे ग लेवें फिर ग रे सा फिर सा रे ग म प ध ध तक लेवें ध प म ग ध प म ग ध प म ग ग म प ध ग म प ध फिर म प ध नि म प ध नि म प ध नि म प ध नि सा। ऐसे करके इसके ऊपर आप अपना दिमाग लगा के घूमें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।